हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। अगर आपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से एनालाइज किया है तो आपने एक चीज़ डेफिनेटली नोटिस करी होगी कि हमसे हर साल वर्ल्ड ज्योग्राफी की मैपिंग के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। कुछ तो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली जो आंसर किए जा सकते हैं, एंड कुछ होते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। और पिछले कुछ ईयर्स का अगर आप देखो तो ट्रेंड यही बताता है कि हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। तो आज के वीडियो में हम जो भी इंपॉर्टेंट मैपिंग लोकेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड ज्योग्राफी वो आज के वीडियो में देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप वीडियो पूरा देखिए क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस की, तो आपको पता है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है वर्ल्ड का, दैट इज एशिया, ठीक है ना। उसी तरह से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट क्या है, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। और बाकी कौन से कॉन्टिनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक तो आप जानते हो कि यूरोप आ जाता है यहाँ पे, उसके साथ ही थोड़ा अगर आप नीचे आते हो तो आपको मिलता है अफ्रीका, उसके साथ ही बाकी जो कॉन्टिनेंट्स जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, एंड नीचे वाली साइड आपको मिल जाएगा साउथ अमेरिका, एंड लास्टली आप जानते हो कि नीचे वाली साइड आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये तो होगी बात कॉन्टिनेंट्स की। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ ओशंस की, तो आप जानते हो कि सबसे बड़ा ओशन वर्ल्ड का कौन सा है, दैट इज पैसिफिक ओशन, ठीक है ना। ऊपर वाली साइड आपको मिल जाएगा नॉर्थ पैसिफिक, नीचे वाली साइड हो जाता है क्या, साउथ पैसिफिक। अब इसके साथ ही अगर मैं आपसे ये पूछूं कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है ओशन के अंदर, तो आप जानते हो कि वो क्या है, वो है मैरियाना ट्रेंच। ये कहाँ मिलता है हमें मैरियाना ट्रेंच, ये आ जाता है हमारा पैसिफिक ओशन के अंदर ही। बाकी ओशन कौन से हैं वर्ल्ड के, एक हो जाता है यहाँ पे अटलांटिक ओशियन, उसके साथ ही यहाँ पे हो जाता है इंडियन ओशियन, ठीक है ना। एंड अगर ऊपर वाली साइड नॉर्थ वाली साइड आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या, आर्कटिक ओशियन, ठीक है ना। उसके साथ ही आपको नीचे वाली साइड एक सदर्न ओशियन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो ये सारे हो गए, हमने कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन के बारे में जान लिया। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा डेजर्ट के बारे में कि कौन कौन से डेजर्ट हमें दुनिया में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सदर्न अमेरिका की, यहाँ पे हमें इस साइड पे एटाकेमा डिजर्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। नीचे की साइड पैटागोनिया आ जाता है, ठीक है ना। और अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें, वहाँ पे आपको मोआवे डेजर्ट हो गया, उसके साथ ही ग्रेट बेसिन डेजर्ट भी आप देख सकते हो यहाँ पे, राइट। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में नामीब डेजर्ट यहाँ पे आ जाता है, उसके साथ ही कालाहारी डेजर्ट, ठीक है ना। इन सभी की लोकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा, साथ ही साथ ऊपर वाली साइड आपको यहाँ पे अराउंड मिल जाएगा सहारा डेजर्ट। इंडिया की साइड आओगे वहाँ थार डेजर्ट मिल जाता है यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है। ऊपर थोड़ा और जाओगे यहाँ पे इस एरिया में अरेबियन डेजर्ट आपको मिलेगा, राइट। एंड फाइनली इस साइड में आपको मिल जाता है क्या, गोबी टकलामकाम डेजर्ट, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट। ऑस्ट्रेलिया की साइड भी आप देख सकते हो जैसे कि ग्रेट सैंडी सिम्पसन डेजर्ट। तो ये सारे के सारे डेजर्ट आपको यहाँ पे अकॉर्डिंगली मैपिंग के पर्सपेक्टिव से क्लियर हो गए होंगे, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा वाटर बॉडीज के बारे में। सबसे पहले इंडिया से ही स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिया के यहाँ इस साइड आपको मिलेगा क्या, अरेबियन सी, दूसरी साइड आपको मिल जाएगा क्या, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। थोड़ा सा उस साइड जाओगे, थोड़ा सा राइट हैंड साइड अगर चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, साउथ चाइना सी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है, बार बार न्यूज़ में आती रहती है, चाइना की 9 डैश लाइन की वजह से डिफरेंट कंट्रीज के साथ यहाँ पे डिस्प्यूट रहता है, चाहे वो फिलीपींस हो या डिफरेंट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ चाइना का यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्यूट रहता ही है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या, ईस्ट चाइना सी, राइट। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो सी ऑफ जापान, ठीक है। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे ना इस साइड पे, या फिर आप इस साइड से भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यहाँ पे आपको मिलेगी बेरिंग सी, ठीक है ना। ये कहाँ पे आ जाता है, देखो एक साइड तो बेरिंग सी के आ जाता है रशिया और दूसरी साइड आ जाता है अलास्का, तो दोनों के बीच में आपको ये बेरिंग सी मिल जाएगा, राइट। थोड़ा अगर आप नीचे की साइड आते हैं इस साइड यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा तस्मान सी, राइट। और इस जगह आपको होता है मोजेम्बिक चैनल, बिल्कुल मेडागास्कर के ना लेफ्ट हैंड साइड में आ जाता है मोजेम्बिक चैनल। थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो गल्फ ऑफ एडन, ठीक है ना, गल्फ ऑफ एडन मिल जाएगा, राइट। उसके साथ ही आप जानते हो कि वर्ल्ड की
सबसे सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है? दैट इज कैस्पियन सी। यहां पे उसके साथ ही आपको मिल जाता है ब्लैक सी, राइट, एंड नीचे वाली साइड आपको मिल जाएगा मेडिटेरियन सी। काफी बार यूपीएससी ने यहां पे इन लोकेशंस के रिगार्डिंग हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि कौन सी कंट्री कहां पे किस पर्टिकुलर सी को टच करती है, तो वो भी थोड़ा सा हम एक बार उसके रिगार्डिंग भी आने वाली स्लाइड्स में जान लेंगे। थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं अगर हम अमेरिका वाली साइड, तो आप यहां पे पाओगे कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको कैरेबियन सी मिलेंगे, राइट। थोड़ा ऊपर वाली साइड गल्फ ऑफ मैक्सिको मिल जाएगा। उसी तरह से अगर आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलो, यहां पे आपको अराउंड मिलेगा गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, उसके ऊपर वाली साइड गल्फ ऑफ अलास्का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं। उसी के साथ में अगर हम थोड़ा यूरोपियन वाली साइड चलें, तो आप जानते हो कि आपको नॉर्थ सी मिल जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, एंड नॉर्थ सी के ऊपर नॉर्वेजियन सी। नॉर्वेजियन सी से जैसा ही मैं राइट साइड की तरफ चलता हूँ, आपको यहाँ पे बेरेंट सी मिल जाएगा। बेरेंट सी के आगे जाने के बाद कारा सी, ठीक है ना। थोड़ा सा आप एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर सकते हो कि थोड़ा सा लोकेशंस को, और साथ ही आपको लास्ट में आपको ईस्ट साइबेरियन सी साइड पे मिल जाएगा। तो ये होगी डिफरेंट वाटर बॉडीज वर्ल्ड की। उसके साथ ही जैसा मैंने आपको बताया कि ब्लैक सी एंड जो है कैस्पियन सी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करूँ कैस्पियन सी की बॉर्डरिंग कंट्रीज, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी पाँच। कौन सी होती हैं वो? एक हो जाता है रशिया, उसके साथ ही अजरबैजान, उसके नीचे ईरान मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, साथ में आपको तुर्कमेनिस्तान मिल जाएगा, एंड लास्टली आपको कजाकिस्तान मिल जाएगा। तो ये तो होगी पांच जो कंट्रीज कैस्पियन सी के साथ रिलेटेड। उसके साथ ही अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक सी की, यहाँ पर आप जानते हो कि ऊपर वाली साइड आपको मिल जाएगा यूक्रेन, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है ना, रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। उसी के साथ ही रशिया भी एक बॉर्डरिंग कंट्री है ब्लैक सी की। यहाँ पे इस साइड पे आ जाएगा जॉर्जिया, नीचे वाली साइड आपको मिल जाएगा टर्की, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में मिल जाएगा आपको बुल्गेरिया, एंड उसके ऊपर आप देख सकते हो रोमानिया। ये छह कंट्रीज, दैट इज बुल्गेरिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की, ये तो बॉर्डर टच करती हैं ब्लैक सी को। साथ ही साथ जब कैस्पियन सी की बात आ जाएगी, तो तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रशिया एंड कजाकिस्तान, ये पांच कंट्रीज अकॉर्डिंगली हमारी कैस्पियन सी को टच करती हैं। तो आई होप ये पर्टिकुलर चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो आप जानते हो कौन सी है वो है रशिया, राइट। और इसी तरह से अगर मैं पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है इन टर्म्स ऑफ एरिया, आप जानते हो वो आ जाती है वेटिकन सिटी, राइट। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर बन गया, वेटिकन सिटी यहाँ पे आएगा यूरोप के अंदर, ठीक है ना। वेटिकन सिटी इस एरिया के आसपास, आप इटली के अराउंड ना थोड़ा देख सकते हो वेटिकन सिटी को। उसके साथ ही अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, वो तो है हमारा प्यारा भारत, इंडिया, राइट। और वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी की अगर हम बात करेंगे, वो आ जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी सिटी है जिसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, तो आप जानते हो कौन सी सिटी है वो है टोक्यो। जापान के अंदर आपको टोक्यो सिटी मिलेगी, वहां पे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, मतलब सिटी विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सी है, दैट इज टोक्यो, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स भी समझ लेते हैं अभी फटाफट। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको यहाँ पे कौन सी मिल जाती है, दैट इज एंडीज माउंटेन, राइट। और अगर मैं यही बात करूं नॉर्थ अमेरिका की, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन सी आ जाती है, वो जाती है रॉकीज माउंटेन, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका में ये दो इंपॉर्टेंट है। उसके साथ ही अगर आप थोड़ा और यूरोप वाली साइड जाओ, तो आप जानते हो यूरोप में हमें क्या मिल जाएगा, एल्फ माउंटेन मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉकस माउंटेन भी दिख जाती हैं, ठीक है। ऊपर वाली साइड अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे यूराल माउंटेन्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपसे मैं ये पूछूं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट माउंटेन पीक पूछा है, वो क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है ना। नेपाल के राउंड आपको मिल जाएगी माउंट एवरेस्ट। साथ ही साथ मैं अगर ये पूछूं हाईएस्ट माउंटेन रेंज की बात कर रहा हूँ, अब रेंज की बात हुई ना, तो रेंज की बात में क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे हिमालयास की, तो आपको पता है हिमालयास की लोकेशन भी, राइट। उसी तरह से अगर मैं पूछूं लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, देखो हाईएस्ट, जब मैंने बोला हाईएस्ट माउंटेन रेंज, वो तो आपने बोल दिया क्या, हिमालयास। अब अगर मैं पूछ रहा हूँ लॉन्गेस्ट की, तो लॉन्गेस्ट वो कौन सी है, वो है एंडीज इन साउथ अमेरिका। तो ये सारी इंपॉर्टेंट जो थी ना वर्ल्ड की जो माउंटेन रेंजेस, वो भी हमने अकॉर्डिंगली देख ली, ठीक है ना। कुछ और रेंजेस भी हैं डेफिनेटली, कराकोरम है,
या इवन ना एटलास है, ये सारी की सारी आप चीज़ें आप देख सकते हो, बाकी चीज़ें भी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी वो हमने डिस्कस कर ली। उसके साथ ही आप जानते हो एनक्लेव्स के बारे में। एनक्लेव्स क्या होते हैं? देखो एनक्लेव्स में क्या होता है कि जो एक कंट्री है ना वो किसी और कंट्री से सराउंडेड होती है, ठीक है ना। और ऐसी दुनिया में सिर्फ तीन ही कंट्रीज हैं, और वो कौन सी ऐसी तीन कंट्रीज हैं? देखो एक यहाँ पे है लेसोथो, ठीक है ना, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है बट इसी को इस तरह से लिखते हैं LESOTHO, लेसोथो। ये पर्टिकुलर जो कंट्री है ये साउथ अफ्रीका से ना एनक्लोज है, बेसिकली सराउंडेड है। तो एक तो कंट्री होगी ये, उसके साथ ही मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले वेटिकन सिटी के बारे में चर्चा करी थी, एंड तीसरी कौन सी कंट्री है? तीसरी है सैन मरीनो, ठीक है ना। तो ये तीनों जो कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेसोथो हो गया साउथ अफ्रीका से, वेटिकन सिटी हो गया, एंड तीसरा सैन मरीनो जो कि इटली के साथ ही सराउंडेड है। तो ये चीजें होगी तीन इनक्लेव्स जो हमने डिस्कस करने थे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ बैच के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये बैच हमने 2023 के स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया है, एंड इसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे कि आपकी प्रेपरेशन पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट होके पूरे एडवांस लेवल तक हो, जिसके अंदर प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, एज वेल एज इंटरव्यू का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है। इसको कवर करने के लिए डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स, बेसिक से स्टार्ट करते हुए एनसीईआरटी से टू द एडवांस टॉपिक इन प्री एंड मेंस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए जाएंगे। एट द सेम टाइम आपको सीसेट एंड जो करंट अफेयर्स हैं उनके ऊपर भी एडुकेट फोकस किया जाएगा। एट द सेम टाइम आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट भी इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर जीएस, सीसेट एज वेल एज मेंस के टॉपिक्स जो भी होंगे उनके ऊपर विद आंसर राइटिंग एंड वैल्यूएशन डिस्कस करी जाएगी। साथ ही साथ आप स्टडी मटेरियल को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू, ताकि अपनी प्रिपरेशन जो अच्छे वे में कर पाओ। तो आप प्रारंभ को एज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन कंसिडर कर सकते हो, जहां पर आपका होलिस्टिक प्रिपरेशन होगा फ्रॉम प्रीलिम्स टू मेंस एंड देन टू इंटरव्यू। यूपीएससी 2023 के स्टूडेंट्स के लिए ओनली आईएएस की टीम की तरफ से द मोस्ट वेटेड कोर्स दैट इज आईडीएमपी अब लॉन्च हो चुका है। आईडीएमपी होता है इंटीग्रेटेड डेली एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स हैं जैसे कि एनसीईआरटी वीडियो लेक्चर्स एंड टेस्ट, उसके साथ ही आपके प्रीलिम्स, मेंस, इसके रिगार्डिंग जो भी एमसीक्यूज होते हैं या फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वो पूरी की पूरी करवाई जाती है। साथ में ही आपको प्रॉपर वैल्यूएशन एंड फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है। उसके साथ ही आपको डिफरेंट बुक्स की सॉफ्ट कॉपीज मिलेंगी, एंड मेंटरशिप के लिए हर महीने दो जूम सेशंस भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, राइट। तो प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए सारे के सारे टेस्ट आप इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर कवर कर सकते हो। उसके साथ ही आपको सीसेट एंड एसए टेस्ट भी इसके अंदर मिल जाएंगे। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स के ऊपर कॉन्टैक्ट करके या info@onlyis.com पे मेल डाल के भी अपनी क्वेरीज को एड्रेस करवा सकते हो। थोड़ा रिवर्स की तरफ चलते हैं। देखो रिवर, अगर मैं आपसे पूछूं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वर्ड्स पे ध्यान दो, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? दैट इज रिवर नाइल। नाइल कहां से चलती है? देखो कुछ इस तरह से रूट होता है। एक्चुअल में ना एक ब्लू नाइल है और व्हाइट नाइल है, तो ये मिलती हैं। साथ में एक थर्ड रिवर भी आती है अकॉर्डिंगली, यहाँ से अकॉर्डिंगली अफ्रीका के थ्रू पास करती है। इवन जैसे ना इजिप्ट हो गया, राइट, सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, यहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है अकॉर्डिंगली ग्रेट इथोपियन रेनिसा डैम। तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी आप इस पर्टिकुलर रीजन के कॉरस्पॉन्डिंग पढ़ सकते हो। और उसी तरह से अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि लार्जेस्ट रिवर कौन सी है वर्ल्ड की, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपका आंसर होना चाहिए अमेजॉन रिवर। अमेजॉन कहां पर है? अमेजॉन आ जाती है नियरली हमारे साउथ अमेरिका रीजन में, अमेजॉन रिवर। तो ध्यान देना है कि लार्जेस्ट पूछ रहा है या लॉन्गेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं ओशन करंट्स के बारे में। देखो ओशन करंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने डेफिनेटली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैं क्विकली एक बार ना आपके साथ थोड़ा रिवाइज कर लेता हूं कि किस तरह से ये चीज बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो ये कौन सा करंट है, ये है ब्राजील करंट, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग उल्टा करंट कौन सा जाता है यहाँ पे, यहाँ पे होता है बेंगुएला करंट, ठीक है ना। आप इक्वेटोरियल करंट तो जानते ही हैं, ठीक है ना, इक्वेटोरियल करंट, एंड दूसरी साइड पे आता है हमारा काउंटर इक्वेटोरियल करंट, राइट। तो ये सारे करंट्स तो आप डेफिनेटली जानते ही होंगे, ठीक है ना। उसके साथ ही अगर मैं थोड़ा ऊपर आता हूँ तो यहाँ पे आप जानते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट गल्फ स्ट्रीम, राइट। उसके साथ ही नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आ जाता है, राइट। एंड नीचे वाली साइड क्या आता है? कैनरी करंट, ठीक है ना। तो ये सारे करंट्स आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। उसके साथ ही यहाँ पे मोजेम्बिक वाला आप एरिया देख जानते हो, इस साइड पे आ जाता है हमारा वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट, ठीक है ना, और दूसरी साइड आ जाता है ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है ना। इनकी डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी आपको ध्यान होना चाहिए। और ऊपर की साइड का बात करूं तो यहां पर आप जानते हो क्रोशियो, एंड ऊपर से यहां से आता है कौन सा? ओयाशियो करंट,
ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो करंट्स थे, बाकी आप जो इक्वेटोरियल करंट्स हैं एंड काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स हैं एंड किस तरह से ये आसपास के एरिया पे अकॉर्डिंगली उनके टेम्परेचर पे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं, वहाँ पे क्लाइमेट को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम का आप जानते हो, तो ये सारे आपने डेफिनेटली स्टैटिक पोर्शन में अपने पढ़ ही रखे हैं, राइट। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज के बारे में। देखो डबली लैंडलॉक्ड क्या होते हैं, देखो लैंडलॉक्ड क्या होता है कि उनका कोई ना सी का एक्सेस नहीं है बेसिकली, और डबली लैंडलॉक्ड का मतलब कि वो वाली कंट्रीज जो उन कंट्रीज से सराउंडेड हैं जो कि लैंडलॉक्ड है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे उज्बेकिस्तान है, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान जो पर्टिकुलर कंट्री है, ये जिन कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच करती है वो सारी कंट्रीज भी खुद अपने आप में लैंडलॉक्ड हैं। उसी तरह से अगर मैं यूरोप में आ जाता हूं तो लाइकनस्टाइन, ठीक है ना, ये जो पर्टिकुलर कंट्री है, ये जिन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ अपना बॉर्डर टच करती है वो सारी की सारी लैंडलॉक्ड हैं। और दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसी कंट्रीज हैं, एक हो गया उज्बेकिस्तान, एक हो गया लाइकनस्टाइन, जो कि उन कंट्रीज के साथ बॉर्डर टच करती हैं जो खुद लैंडलॉक्ड हैं, ठीक है ना। तो इनके अराउंड भी मतलब लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डबली लैंडलॉक्ड कंट्रीज। आगे चलते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में। देखो स्टेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, यू नो, एक चोक पॉइंट की तरह एक्ट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे कौन सा है बता मुझे, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है ना। इसके नीचे आ जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे आ जाता है क्या, बाबल मंदेब, राइट। और ये पर्टिकुलर चीज जब ऊपर जाती है यहां पे रेड सी आता है एंड अकॉर्डिंगली यहां पे क्या है, स्वेज कैनाल, राइट। उसके साथ ही आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां पे मिल जाएगा क्या, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है जी। उसके साथ ही आप जानते हो यहां पे क्या है, टर्किश स्ट्रेट, नीचे यहां पे केप ऑफ गुड होप भी आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। उसके साथ ही आप जानते हो कि यहां पे क्या कौन सा एरिया आ जाता है, यहां पे मलक्का स्ट्रेट आ जाता है, चाइनीज डिलेमा भी बोलते हैं इसको, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वर्ल्ड की जो आपको थोड़ा थोड़ा इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। और साउथ अमेरिका वाले एरिया की बात करते हैं, यहां पे कौन सा आ जाता है, यहां पे पैनामा कैनाल आप जानते हो, राइट। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा थोड़ा इनका ना आइडिया होना चाहिए कि अच्छा कौन सी चीज कहां पे लाई करती है, ताकि कल को अगर यूपीएससी हमसे इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट भी पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। उसके साथ ही आप जानते हो डेविस स्टेट के बारे में भी, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं कुछ और आर्किपेलागोस की, आप इंडोनेशिया की पर्टिकुलर लोकेशन भी यहां पे देख सकते हो, राइट राइट। तो थोड़ी थोड़ी ना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए ताकि कल को अगर इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम आंसर कर पाएं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, वर्ल्ड की लार्जेस्ट गल्फ कौन सी है, तो कौन सी गल्फ है, वो है गल्फ ऑफ मैक्सिको, राइट। ये मैप पे आप इस पर्टिकुलर लोकेशन को देख सकते हो जो मैंने मार्क करी, दैट इज गल्फ ऑफ मैक्सिको। उसी तरह से आप पर्टिकुलर चीजें जैसे हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट डेल्टास की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कहां पे है बता दो, ये है सुंदरबंस, राइट। कुछ पोर्शन इंडिया में आता है, कुछ पोर्शन आप इस चीज का बाकी बांग्लादेश में भी देख सकते हो। उसी तरह से ग्रीनलैंड का एरिया आप यहां पे मार्क कर सकते हो, या फिर मेडागास्कर आइलैंड को यहां पे नोटिस कर सकते हो, कैरिबियन आइलैंड्स को यहां पे नोटिस कर सकते हो, साउथ चाइना सी का जो मैंने आपको एरिया बताया था वो पर्टिकुलर एरिया बार बार न्यूज में रहता है, आसपास की साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भी आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो ये पर्टिकुलर वीडियो था जहां पर मैं चाहता था आपके साथ डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिस्कस करना, चाहे वो डिफरेंट यू नो स्टेट्स हो गया, डेजर्ट हो गया, या फिर डिफरेंट माउंटेन रेंजेस हो गया, एंड डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, रिवर्स, वाटर बॉडीज, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करने की कोशिश करी हैं। आई होप आपको ये पर्टिकुलर वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड इस पर्टिकुलर वीडियो को आपको काफी हेल्प मिली होगी अपने आने वाले प्रीलिम्स को की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो इसी तरह से आप अपने एंड पे भी हार्डवर्क करते रहिए। दिस इट फॉर दिस वीडियो, गुड बाय एंड गुड लक।